हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक चावल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और कोई नॉर्मल पुलाव नहीं, हम यहाँ पे आज बढ़िया सा एकदम नवरत्न पुलाव बनाएंगे जिसमें कि खूब सारी सब्जियाँ हम ऐड करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। बहुत ही टेस्टी है, बढ़िया सा मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और झटपट से ये बढ़िया सी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो नवरत्न पुलाव हम बना रहे हैं, तो पहले यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स आपको दिखा दूंगी। अब क्योंकि नाम है नवरत्न पुलाव, तो जाहिर सी बात है कि ये होता है कि भाई 9 चीज़ें अगर हम इसमें डाल दें तो फिर नाम के साथ काफ़ी सूट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सारा मतलब अगर नहीं है, आपके पास 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, उनको मिला के भी आप बना सकते हैं पुलाव, बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने सिंपल जैसे बासमती राइस है, तो बासमती राइस को जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं उसी तरह से मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध गर्म किया हुआ है और इस दूध में थोड़ा सा मैं एक केसर डाल के रखूँगी, ये जो कि बाद में पुलाव में यूज़ आएगी। तो केसर डाल के, गर्म दूध में केसर डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें। और बाकी जो मैं इसमें 9 चीज़ें, क्योंकि नवरत्न पुलाव है तो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने यहाँ पे ये शिमला मिर्च ली हुई है, साथ में गाजर, गोभी, टमाटर, मटर, आप फ्रेश या फ्रोज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आलू मैंने लिए हुए हैं बहुत छोटे छोटे पीसेज में, इस तरह से काट के रखा हुआ है। और ये साथ में इसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली हुई है। तो पहला स्टेप जो हमें करना है, मैं जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हुए हैं इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। और यहाँ पे मैं प्याज, अगर आप चाहो तो प्याज भी ऐड कर सकते हो, वरना विदाउट प्याज के भी आप ये पुलाव बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आप घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को, जो ड्राई फ्रूट्स ये हमने लिए हैं इनको डाल के पहले थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लेंगे। काफ़ी टेस्टी सा बढ़िया सा पुलाव बनता है, इतनी सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जो केसर का दूध हम डालते हैं इसे धीमी गैस पे ही बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम पे इस तरह से हम इनको फ्राई कर रहे हैं। आप एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर एक साथ जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया से एकदम ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, रोस्ट किए हैं हमने इनको, बहुत बढ़िया तरह से हो गए हैं। तो इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें बटर डाला हुआ है, और बटर डाल के साथ में ये तेज पत्ता और जीरा हमने लिया हुआ है, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ में पहले कुछ सब्जियों को, जैसे कि आलू हमने यहाँ पे लिया है, गाजर है, और क्योंकि शिमला मिर्च पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और गाजर है साथ में, गोभी है, मटर है, तो इन चीज़ों को हम पहले अच्छे से बिल्कुल फ्राई करेंगे। तो पहले मैं इसमें आलू डाल देती हूँ और साथ में ये मटर इसमें ऐड करते हैं, और ये इसमें गाजर में डाल रही हूँ इधर से। इन तीनों चीजों को मैं एक साथ फ्राई करूंगी, गोभी को अलग से पहले फ्राई करेंगे, इनको बढ़िया से बिल्कुल मिक्स करते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए बढ़िया तरह से बिल्कुल हमें इन्हें फ्राई करना है, ताकि इतना फ्राई करना है कि ये सब्जियां जो है फ्राई करते हुए पक जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल बारीकी से इसको चॉप किया है, मोटे पीसेस बिल्कुल नहीं काटेंगे, एकदम बारीकी से चॉप करेंगे ताकि बहुत ही आसानी से ये पक जाएंगे। और सेम कढ़ाई में अब इसमें ये गोभी डाल के हम फ्राई करेंगे, और जब फ्राई करके इसमें थोड़ा सा गोभी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका एक टेस्ट आता है। और गोभी को थोड़ा सा हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा तब तक हमको इसको फ्राई करना है। और गोभी फ्राई हो गई है, आप देख रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया है। इसी के साथ में ये शिमला मिर्च जो हमने लिए हुए थे ये ऐड करेंगे,
और एक बार स्टिर करने के बाद में जो ये वेजिटेबल्स हमने 5-6 मिनट के लिए पहले फ्राई किए थे वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सब इसी में हम ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसमें हम यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ हरी मिर्च यूज़ करूँगी। और साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं 2-3 मिनट के लिए सब्जियों को वापस से थोड़ा सा ढक दूँगी तो ये थोड़ा सा और अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई तो किया है पर थोड़ा काफ़ी अच्छे से ये पक जाएंगी। फिर एक बार इस तरह से मिक्स करके फ्लेम बिल्कुल हम लो कर देंगे। देखिए इस तरह से नमक डाल के हमने मिक्स कर दिया, फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे थोड़ा सा इनको और पका लेंगे। अगर पुलाव में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि एकदम घुली सी सब्जी हमें बना के उसमें पकानी है, पर हल्का सा थोड़ा सा अच्छे से पकेगी तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अदरवाइज़ जैसे आप लोगों को, अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा क्रंची टाइप की अच्छी लगती है तो आप उस टाइप से भी रख सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से कवर कर दिया मैंने, 2-3 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे हम। तो देखिए 2-3 मिनट बाद हमने इसे ओपन किया है, वेजिटेबल्स बिल्कुल बढ़िया से पक गई हैं और काफ़ी बस इतना ही हमें पकाना था। एकदम खिली खिली सी बढ़िया सी लग रही हैं वेजिटेबल्स। साथ में ये टमाटर हमने लिया हुआ है, सबसे लास्ट में ऐड करेंगे इसमें टमाटर ऐड करके इस तरह से एक बार स्टिर करेंगे इसको। और टमाटर को क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना था इसीलिए सबसे लास्ट में हमने इसे डाला है, और बाद में जो ये हमने चावल लिए हुए थे ये थोड़े थोड़े करके इसमें डालेंगे। और चावल डालने के बाद में जो ये हमने केसर वाला दूध लिया हुआ था ये भी इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके ये पूरे चावल पे अच्छे से डाल देंगे। और साथ ही साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हुए थे ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो थोड़े से रोक सकते हैं कि ऊपर से जब सर्व करेंगे तो गार्निश करने के लिए हम इनको थोड़ा सा रोक लेते हैं। बिल्कुल ज़रा से मैंने रोके हुए हैं और बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल हमें मिक्स करना है और गैस का फ्लेम भी हम हाई रखेंगे यहाँ पे। और बस इसे ओपन करके 3 मिनट के लिए हमने हल्का सा हाई फ्लेम पे थोड़ा सा बस पका लिया है। और सबसे लास्ट में इसमें धनिया पत्ती हम ऐड कर देते हैं। बिल्कुल बढ़िया सा ये नवरत्न पुलाव बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम गर्मा गर्म नवरत्न पुलाव बनके रेडी हो गया है और आप लोग फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।